अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ लेमनेड। इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये गर्मियों में ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके अंदर जिन चीज़ों की चाहिए, ये लेमन है, ये सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, ये लेमन है हमारे पास मीडियम साइज़ के लेमन है, 3 कटे हुए हैं ना, और ये क्यूब्स है मेरे पास 8-10 क्यूब्स हैं, और आइसिंग शुगर है इसके अंदर, शुगर ले लें आप 5 टेबल स्पून शुगर है, और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। ग्लास मैंने गार्निश किए हुए हैं लेमन से, और ये हनी है, हनी हमें 1 टेबल स्पून चाहिए। बनाना शुरू करते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। लेमन क्या, सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर जी, इसके अंदर पानी चला गया, पानी चाहिए 2 गिलास हमें, 1 गिलास और ये 2 गिलास हो गए, पानी चला गया। आपका हनी है 1 टेबल स्पून, इसको हनी को डाल दें। अब इसको ग्राइंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें अपना कलर भी डाल सकते हैं, लेमन कलर डाल सकते हैं, येलो कलर का, अगर इसको कलरफुल। जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद मैंने ग्लासों में अपनी बर्फ़ डालनी है। बर्फ़ अब आपको ये है कि कितना चीला पीते हैं, ठंडा ज़्यादा पीते हैं, उस हिसाब से बर्फ़ डाल दें। चीनी भी भाई आप इसमें वज़न एक जैसे चीनी और नमक होना चाहिए ना, तो ये आप ज़रूर वो रखिएगा कि चीनी और नमक जैसे आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से डाल दें। इसमें और आ जाती 2 गिलास हैं, क्योंकि मैंने बर्फ ज्यादा डाली है, इस वजह से मेरा भी 1 गिलास बच गया है। हाँ जी, ये देखें मैंने रख लिया इसे ट्रे के अंदर, दोनों ग्लास रेडी हैं जी। हमारा लेमन डे तैयार है। अब इसको लेमन डे को उर्दू में शिकंजीबीन कहते हैं, तो इसको एंजॉय कीजिएगा। शिकंजीबीन में आपको पता होता है कि नमक और सॉल्ट कैसा होना चाहिए, दोनों मिक्स हो, उसमें काली मिर्च भी डालिएगा तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा। और मैंने उसे लेमन के साथ, लेमन के उसके साथ ही जो छिलके हैं उनके साथ ही गार्निश किया है, प्लेन है, और मिंट के लीव लगाई है। अब आप इंजॉय कीजिएगा, और प्लीज़ ऐसे आप भी लगाइएगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।